हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू SBA स्टडी पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SBA स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ऐसे छात्र छात्राएं जिनका एग्ज़ाम लगा हुआ है और वो चाहते हैं कि परीक्षा टॉप करें या परीक्षा में उनका अच्छा मार्क्स आए, उन सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री में ऐसे 7 प्रश्न जो हर वर्ष पूछे जाते हैं। अगर आपने ये 7 क्वेश्चंस तैयार कर लिया, केवल और केवल ये 7 प्रश्न अगर आपका तैयार हो गया, तो आप निश्चित रूप से परीक्षा में टॉप करके आएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है दोस्तों। अब आपको बताते हैं इस क्लास के माध्यम से जो मैं आपको आज क्वेश्चंस बताने वाला हूँ वो NEP के अकॉर्डिंग हैं। देखिए, जो नेशनल एजुकेशन शिक्षा नई शिक्षा नीति लागू हुई है 2020 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, 2020 में लागू, इसके तहत ये पाठ्यक्रम है। और फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप लोग की केमिस्ट्री है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में 8 यूनिट हैं। अब प्रत्येक यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा मैं यहाँ पर करूँगा, यूनिट बाय यूनिट में बताऊँगा कि आपको कौन सा प्रश्न तैयार करके जाना है। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट से। तो आपकी पहली यूनिट है जिसका नाम है मॉलिकुलर पोलारिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। ये आपका पहला यूनिट है और ये इनऑर्गेनिक का टॉपिक है। इसमें जो आपको तैयार करके जाना है वो पहला टॉपिक आपका है रिजोनेंस, अनुनाद जिसे कहते हैं। दूसरा टॉपिक आपको तैयार करना है हाइड्रोजन बॉन्ड, और तीसरा है फजांस रूल्स, और चौथा है वांडरवाल फोर्स। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस बार आपके एग्जाम में यही प्रश्न आने वाला है। और ये सभी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं और ये निश्चित रूप से आएंगे। जैसा कि आप सबको पता है शॉर्ट में आपको 5 प्रश्न हल करने होते हैं और लॉन्ग में 2, ठीक है। अगर ये 7 प्रश्न आपका तैयार हो गया तो ये आपका लगभग लगभग 40 नंबर का होता है सेक्शन बी, और लॉन्ग का हो जाता है 20 नंबर का, यानी 60 नंबर आपका यहीं पर कंफर्म हो जाता है। 15 नंबर जो मिलते हैं वो आपके सेक्शन ए से मिलते हैं, यानी कि जो शॉर्ट वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपने अनुनाद तैयार कर लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार कर लिया, फजान रूल जिसे पोलराइजिंग पावर और पोलराइजबिलिटी कहते हैं वो अगर आपका तैयार हो गया, और वांडरवाल फोर्स तैयार हो गया, तो ये मानकर चलिए कि आपका यहाँ से कुल मिलाकर के लगभग लगभग 40 नंबर तैयार हो जाएगा, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने हैं 110%। तो जिन्होंने संपूर्ण सिलेबस पढ़ा है उनके लिए तो और अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे वीक स्टूडेंट हैं सर, तो आप सबके लिए ये है कि जो मैं ये बता रहा हूँ इसको आप तैयार करके जाइएगा, ओके, ये आपके लिए बहुत ही मदद देगा। दूसरी यूनिट के बारे में बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है, और इस यूनिट के जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे वो लॉन्ग टाइप के प्रश्न मिलेंगे। लॉन्ग टाइप में 2 प्रश्न आपको हल करने हैं, और अगर जो मैं बता रहा हूँ ये अगर आपका इतना तैयार है तो लॉन्ग टाइप आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। लॉन्ग टाइप में और आपकी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। पहला है हाइब्रिडाइजेशन जिसे संकरण कहते हैं। अगर आपने संकरण तैयार कर लिया है, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, SP संकरण क्या होता है, SP2 क्या है, SP3 क्या है, SP3D2 क्या है, अगर आपका संकरण तैयार है तो आपका एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन तैयार हो गया, यानी कि 10 नंबर आपका यहीं से कन्फर्म हो गया, ठीक है। बाकी बचता है आपका दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसे BBT के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी तैयार हो गया तो आपका 10 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूछी जाती है। और तीसरा है आपका वेस्पर थ्योरी, बैलेंस सेल पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है और ये लॉन्ग टाइप का प्रश्न है, ठीक है। तो आपके 2 प्रश्न, पहला तो संकरण अनिवार्य है आना, और दूसरा है वेस्पर थ्योरी। ये दोनों थ्योरीज अगर आपके दोनों प्रश्न तैयार हो गए, ठीक है, ये केवल और केवल हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी, तो आपका 20 नंबर यहीं पर लॉन्ग टाइप का कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। एक आपका लास्ट यूनिट है जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, MOT, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए मैंने आप लोग को क्लास दी है, आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं। तो यूनिट नंबर 2 आपके लॉन्ग टाइप का था, यहाँ से आपके लॉन्ग टाइप यानी 20 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा।
तो मैंने आप लोगों से बोला था कि 7 प्रश्न केवल मैं बताऊंगा और ये 7 प्रश्न आपका तैयार हो गया तो 100% आप टॉप करोगे। फिर अब ये कैसे, तो आपका पहला प्रश्न हो गया संकरण, दूसरा हो गया बैलेंस बाउंड थ्योरी, तीसरा हो गया वेस्पर थ्योरी और चौथा हो गया मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। बाकी आपके 3 प्रश्न ये हो गए, 4 और 5वां रिजोनेंस, 6वां हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग और 7वां हो गया फजान्स रूल्स। ये 7 केवल ये 7 टॉपिक अगर आपके तैयार हैं तो आपका लगभग लगभग 60 नंबर यहीं से कंफर्म हो जाता है, पक्का हो जाता है। ठीक है, तो ये रही यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड। अब बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड की। यूनिट नंबर थर्ड है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इसमें 3 प्रश्न केवल और केवल पूछे जाते हैं, केवल और केवल 3 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसे कहते हैं हिंदी में इलेक्ट्रॉन बंधुता। दूसरा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसे विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है आयनिक रेडियस। ये 3 टॉपिक केवल और केवल यूनिट नंबर थर्ड से आपको तैयार करने, इसके अलावा और कुछ कुछ नहीं पढ़ना है, केवल और केवल ये 3 यूनिट्स ही तैयार करके जाइएगा, ये 3 टॉपिक्स तैयार करके जाइएगा। ओके, तो ये हो गया आपकी यूनिट नंबर थर्ड का, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनिक रेडियस। ठीक है, ये तैयार करके जाना है। चौथा आपका जो यूनिट है उसका नाम है रेसिपिटुलेशन ऑफ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये थोड़ा सा इसमें जो प्रश्न आएंगे ये आपके शॉर्ट और वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट का जो क्वेश्चंस बनेगा वो यहाँ से अधिकतर बनेगा। पहला हो जाता है आपका इंक्लूजन कंपाउंड। इंक्लूजन कंपाउंड सबसे महत्वपूर्ण है और ये हर बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इंक्लूजन कंपाउंड को आपको तैयार करना है। दूसरा है चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स पर शॉर्ट निकल ले आता है, तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड प्रश्न है। अगला है हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसे कहते हैं अतिसंयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? अतिसंयुग्मन से आप क्या समझते हैं? पूछ लेता है व्हाट डू यू मीन बाई हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी कि अतिसंयुग्मन से आप क्या समझते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगला है बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, ये तीनों पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड एनर्जी क्या है और बॉन्ड लेंथ क्या है। तो ये तीनों आपको तैयार करना है, यानी कि बंध लंबाई, बंध दूरी और बंध एनर्जी। ठीक है, तो ये आपको तैयार करना है। अगला है एंटेनोमर्स एंड डायस्टोमर्स। ठीक है, एंटेनोमर्स एंड डायस्टोमर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछ लिया जाता है ये शॉर्ट टाइप में। तो आपने देखा कि यूनिट नंबर 4 में हमने 5 टॉपिक बताए, ये 5 टॉपिक आपके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट के हैं। ठीक है, यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो आपने अगर ये 5 क्वेश्चन तैयार कर लिए तो यहाँ से 3 से 4 प्रश्न 100% कन्फर्म है आपके एग्जाम में पूछे जाना। ओके, तो इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है निश्चित रूप से। ओके, अगला है यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये आपकी 5वीं यूनिट है, जिनमें आपको केवल और केवल 3 टॉपिक या 3 प्रश्न तैयार करने हैं, 3 क्वेश्चन। पहला है कार्बेनायन और दूसरा है कार्बीन। पूछ लेता है व्हाट आर कार्बीन, कार्बीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख लिया, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कार्बीन। तो कार्बेनियम आयन और कार्बीन, और दूसरा है फ्री रेडिकल्स, यानी मुक्त मूलक कहते हैं हिंदी में। तो 3 क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं यूनिट नंबर 5 की। ओके, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी फर्स्ट और सेकेंड यूनिट तो आपके इंपॉर्टेंट है ही हैं, वहाँ से तो आपके सारे प्रश्न, अगर आपने 2 यूनिट यानी पहली यूनिट और सेकेंड यूनिट अच्छे से तैयार कर लिया है तो आपका लगभग लगभग ये मानकर चलिए कि 45 से 50 नंबर आपका वहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले यूनिट है यूनिट नंबर 6, जिसका नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये स्टीरियो केमिस्ट्री है, जिसमें आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको जो तैयार करना है वो आइसोमेरिज्म तैयार करके जाना है। आइसोमेरिज्म क्या है और टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, इसमें आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है आपका आइसोमेरिज्म, जिसमें आपके टाइप्स इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कन्फॉर्मेशन, जिसे समरूपण कहते हैं। समरूपण, व्हाट डू यू मीन बाय कन्फॉर्मेशन, कन्फॉर्मेशन से क्या समझते हैं, यानी समरूपण से क्या समझते हैं। तो आपको कन्फॉर्मेशन का टॉपिक तैयार करना है। और नेक्स्ट आपका है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट BBIP, वो है आपका ईजेड सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर। ठीक है, क्या है? ईजेड सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर। और जब आप कन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो इसमें साइक्लोहेक्सेन और
एन ब्यूटेन, ध्यान रखिएगा कन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा किसका, एन ब्यूटेन का, एन ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन का कन्फॉर्मेशन दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों तैयार करके जाना है, ये तीन टॉपिक यानी तीन क्वेश्चन, पहला तो आइसोमरिज्म, दूसरा कन्फॉर्मेशन और तीसरा है ईजेड सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर, ये पढ़ के जाना है यूनिट नंबर 6 से, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये, ओके। अगला आपका टॉपिक है यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 7 है जिसका नाम है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में लगभग लगभग एक प्रश्न बनती है लॉन्ग टाइप की संभावना बनी रहती है, तो लॉन्ग टाइप में जो प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज से या तो फिर बाइनरी नंबर सिस्टम से। तो आपको बाइनरी नंबर सिस्टम और कंप्यूटर लैंग्वेज तैयार करके जाना है, और जो इससे शॉर्ट टाइप के लगभग लगभग एक प्रश्न वेरी शॉर्ट में आएगा या दो प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित प्रश्न आएंगे, जैसे कि CPU क्या होता है, विंडो क्या है, डॉस क्या है, लिनक्स क्या है, ये पूछ लिया जाता है। तो आपको ये तैयार करके जाना है, पहला तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, बाइनरी नंबर सिस्टम और कंप्यूटर लैंग्वेज, ये आपको 8वीं यूनिट से माफ करिएगा 7वीं यूनिट के तैयार करके जाने हैं क्वेश्चंस, ये आपकी महत्वपूर्ण है। यूनिट नंबर 8 जो लास्ट यूनिट है आपके फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का, ठीक है, जिसका नाम है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। 8वीं यूनिट में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं केमिस्ट्री के, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और अगर कहा जाए कि 100% कन्फर्म वाला है, कन्फर्म है आना एग्ज़ाम में, तो वो है प्रॉबिबिलिटी, जिसे प्रायिकता कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता क्या होती है, और दूसरा प्रश्न बनता है मैक्सिमा एंड मिनिमा से या तो फिर लॉग से बनता है, ठीक है। तो प्रॉबिबिलिटी तो आपको 100% तैयार करके जाना है प्रॉबिलिटी, अगर आपने मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तैयार है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक प्रश्न प्रॉबिलिटी मैथमेटिक्स से पढ़ के जाइएगा, ओके। प्रॉबिलिटी प्रायिकता, ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन भी दे देता पासा वाला, तो ध्यान रखिएगा प्रॉबिलिटी यानी पाने की संभावना जहाँ पर होती है, ठीक है, उसे प्रॉबिलिटी कहते हैं। तो प्रॉबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर के ऑल यूनिट के आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा मैंने कर दी है, अगर आपने इन प्रश्नों को तैयार कर लिया सर, तो ये मानकर चलिए कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से अलग और प्रश्न नहीं आएंगे जो मैं बता रहा हूँ, ओके। तो आपको ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को तैयार करना है, और आपने अभी तक जो तैयार किया है वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने इन प्रश्नों को नहीं तैयार किया है या तैयार कर लिया है तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं तैयार किया है तो इनको तैयार करके जाइएगा, ये राम बाण है आप सबके एग्ज़ाम के लिए, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ओके।